वृंदावन सुनाकरं विलासनुगवाससं सुरेन्द्र गर्भमोचनं नमामि नन्दनन्दन ब्रजेन्द्र भानुनाथं सदा सुखप्रदायकं जगन् मनो प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दन श्रीनन्दनन्द हस्तकं वटेज्य सदन्वितं तरेद्वादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री श्री ब्रजधाम परिक्रमा करते हुए जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये हम लोग के आराध्य देवी श्री श्रीमती राधा रानी की प्राकट्य स्थान कहा गया है। श्रीमती राधिका मैनिफेस्टेड फ्रॉम दिस प्लेस, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ श्रीमती राधिका। आराध्यो भगवान ब्रजिष्य तनय तद्धाम वृंदावन रम्मा काचित उपासना ब्रजवधु भर्गन जा कल्पिता श्रीमद भागवतं प्रमाण अमलम प्रेम प्रमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादुरो नपरम। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद
इस संस्कृत श्लोक में वर्णन करते हैं ये अमल पुराण श्रीमद् भागवतम प्रमाण देते हैं ये सर्वोत्तम प्रेम परकत्व भाव राधा आदि गोपियों में गोपियों के हृदय में ही विराजमान है। समझ में ये नित्य सिद्ध और स्वाभाविक रूप में ब्रज गोपियों की हृदय में ये रहती है। यही पारकीय पारकीय भाव श्रीमद् भागवत में ही प्रमाण स्वरूप दी गए। जिस पारकीय भाव कृष्ण के प्रति जो पारकीय भाव इस भावों के प्राप्ति करने के लिए उद्धव आदि बड़े बड़े महान संत महात्मा तरसते रहते हैं। क्योंकि यही परकीय भाव की जो सर्वोत्तम भाव दिखाया गया जो परकीय भाव इस जगत की बात छोड़ दिए स्वर्गलोक में भी नहीं है। इस परकीय भाव वैकुंठ जगत में भी नहीं है। यह परकीय भाव अयोध्या द्वारका आदि मथुरा में नहीं केवल एकमात्र गोलोक वृंदावन में नित्य सिद्ध गोपियों की हृदय की प्रेम धन कहा गया और वही वस्तु के हमारे चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर जगत में प्रचार कर रहे हैं। आराध्य भगवान ब्रज से तनय ब्रजनंदन ब्रजनंदन सन सुंदर कृष्ण ही हमारे आराध्य देव वर्ष और उनकी धाम वृंदावन और वही कृष्ण के किस प्रकार ब्रजदेवियां सेवा करती थी ना अपने परकीय भावों के द्वारा। परकीय भाव की विशेष तात्पर्य क्या है? विवाहिता होकर के लुप छुप करके परप्रति के प्रति पर पुरुष के प्रति जो अपने तन मन समर्पित कर देना और उनके साथ रमन क्रीड़ा आदि करना उसी के कहा जाता है परकीय भाव। अच्छा परकीय भाव की तात्पर्य क्या है? इसी के ही कहा जाता है परकीय विवाहिता हो गई किंतु लुप छुप करके परपुरुष के प्रति अपने देह मन आदि समर्पित करना और उनके साथ रमन क्रीड़ा आदि करना इसी की परकीयत्व भाव कहा जाता है। इस संसार में इस जगत में ये परकीयत्व भाव अत्यंत घृण्य और पाप कर्म कहा जाता है और मृत्यु के पश्चात उसके नरक में जाना पड़ता है। फिर अनेक हजारों साल तक नरक भोगने के पश्चात फिर इस संसार में जब भगवान की इच्छा से जन्म लेते हैं बोले उनके अनेक प्रकार पशु जन्म दिया जाता है। पुराण में वर्णन है पशु जन्म दिया जाता है कुत्ते आदि होकर के ऐसे अनेक और नीच जनी को उसके प्राप्ति होता है। फिर वहां जब सत्संग आदि के द्वारा भगवत भजन में प्रवृत्त होता है तब भगवान कृपा करके फिर आगे उच्च कुल में मनुष्य जन्म आदि में उसे देते हैं। इसलिए वेद आदि पुराणों में इतिहास में ये लौकिक जो पारकीयत्व भाव अत्यंत घृण्य दिखाया गया न सुखम यह लोकम न परलोकम इस जगत में उसके सुख भी प्राप्ति नहीं होती है और मृत्यु के पश्चात भी उसके सुख प्राप्ति। इसलिए ये परकीयत्व के अत्यंत घृण्य मनाया गया किंतु अपराजित चित जगत में राधा आदि गोपियों के हृदय में जो परकीयत्व भाव उसे कहा जाता है अपराकृत कहा जाता है अपराकृत परकीय भाव।
क्योंकि राधा आदि गोपियां कृष्ण के राधिनी शक्ति के साक्षात मूर्ति मन विग्रह कहा जाता है। कृष्ण के तीन शक्ति कहा जाता है, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। फिर चित शक्ति के तीन भाव में कहा जाता है, संबित, संदिनी और राधिनी। यही राधिनी शक्ति सर्पणी श्रीमती राधिका, कृष्ण के आनंद कराय नाम राधिनी। कृष्ण के समस्त प्रकार आनंद की उत्सव, सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ब्लिसफुल, वो क्या है? श्रीमती राधिका। वही श्रीमती राधिका राधिनी शक्ति के मूर्त प्रकाश विग्रह कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है राधिनी शक्ति सर्पणी श्रीमती राधिका। आनंद, आनंद की सर्वोत्तम उत्सव, सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ब्लिसफुलनेस, दैट इज कॉल्ड श्रीमती राधिका। प्रेम रस निर्जास कुरित आस्वादन, राग मार्ग के भक्ति लोग कुरित प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही द्वि होते लीला रो उद्गम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन धाम में इस जगत में प्रकट होकर के क्या कर रहे हैं? ये वही परकीयत्व भावों की पराकाष्ठा जो नित्य गोलोक वृंदावन में अपने प्राण प्रियतमा गोपियों के साथ जो लीला विलास आदि करते हैं, रस आस्वादन करते हैं, वही रस आस्वादन की एक पटभूमि का इस जगत में प्रकट कराया, इस जगत में प्रकट कराया। क्योंकि इस संसार में लोगों की अपराकित ट्रांसेंडेंटल जो परम मूड, उसके बारे में जानकारी नहीं है। हड्डी, मांस, चमड़ा, खून, पीप, मल मूत्र के द्वारा ये शरीर तो है, किंतु इस शरीर के द्वारा वास्तव रूप में वो प्रेम रस आस्वादन करना संभव नहीं है। इसलिए स्वयं कृष्ण रसिक होते हुए और यद्यपि वही रस को नित्य गोलोक वृंदावन धाम में आस्वादन करते और उसी रस को ये नित्या धाम में प्रकट करा करके अपने नित्य परिकरों के साथ ये प्रेम विलास आदि कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं प्रेम रस निर्जास कोरित आस्वादन और राग मार्गे भक्ति लोग कोरित प्रचारण, दो वस्तु आ रहे हैं। वो प्रेम रस के आस्वादन भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? राग मार्गे भक्ति लोग कोरित प्रचारण। कैसे रागात्मिका जन अपने प्राण प्रियतम गोविंद के प्रति प्रेम प्रति आदि रखते हैं, उसी को जगत में प्रचार कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। भक्तो विनोदार्थम करो भी लीलायम, भक्त के विनोदन करने के लिए, विनोदन माने आनंद प्रदान करने के लिए, गिव द प्लेजर ऑफ द डिवोटी, भक्त के प्रेम विनोदन करने के लिए स्वयं कृष्ण अपने सब परिकरों के साथ विथ हिज ओन अंतराज, अपने परिकरों के साथ अंतराज के साथ क्या कर रहे हैं? वही प्रेम रस के वो आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन, प्रेम रस के निर्जास क्या है? दी एसेंस ऑफ प्रेम रस, यही परकत्व भाव की पराकाष्ठा जहां पर आकर के गोपियां कृष्ण के प्रति मिलने के लिए इतने उतावल हो जाती है, उतावल समझते हो, उत्कंठित होती है, और अनेकों प्रकार बाधाएं आकर के सृष्टि कर दे, फिर तब उनकी प्रेम की उत्कंठा और भी अधिक बढ़ जाता है। जैसे सुच्च पर्वत से जल की धारा जब नीचे के तरफ आ जाते हैं, फिर नीचे कोई एक बयान क्या बोले डैम दिया जाए, बांध दिया जाए, वो जल धारा आकर वहीं पर रुक जाता है और रुक करके वर्लपूल सृष्टि कर देते हैं। ऊपर से पानी आ रहे हैं, नीचे पानी क्या था? आगे नीचे बढ़ रही है, इसलिए वहीं पर क्या करते हैं? वर्लपूल है, जिसको कहा जाए भंवर पड़ जाता है। ऊपर से पानी आ रही है और नीचे की तरफ नहीं जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, क्यों? बांध लगा दिए ना,
इसलिए वह पर पानी के धारा क्या हो जाता है, वो वर्लपूल हो जाते हैं। किंतु ये कब तक पानी के धारा वहां पर वर्लपूल होते रहे, जब तक वो पानी के स्तर ऊपर ना आ जाए। और पानी के जल पानी के धारा इतने बढ़ते 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 रहते हैं और वो क्या करते हैं, डैम को क्या कर देते हैं, बांध को जो है वो तोड़ करके चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार गोपियों की कृष्ण के प्रति जो प्रेम जो है, इतने उत्कंठित हो जाते हैं ग्लन के लिए, संसार के पहले संसार की विधि को तो पालन करके चलती चल रही है। किंतु कृष्ण के प्रति जब ऐसे प्रेम प्रबल रूप धारण कर लेते हैं, तो अब वो संसार के जितने बाधाएं जो है, माने नियम आदि आदि जो है, जिस नियम का द्वारा गोपियों के साथ कृष्ण के मिलन के लिए जो बांध करके रखा गया था, नियम करके रखा था, वो नियम क्या हो जाता है, अपने आप वो तोड़ करके चले जाते हैं। क्योंकि प्रेम की भी एक मर्यादा की सीमा रहता है, मर्यादा की सीमा रहता है प्रेम का। किंतु वो प्रेम की मर्यादा क्या हो जाता है, वो तोड़ करके आगे चले जाते हैं। जैसे समुद्र, समुद्र अपने नियम को पालन करके चलते हैं, बड़े बड़े लहरियां आती है। आप लोग जगन्नाथपुरी में गए देखे, ये बड़े बड़े लहरियां आ रही है, 3 फीट 4 फीट 5 फीट ऊंचे होकर के लहरियां आ रही, ऐसे लग रहे हैं ये तरदेश को जो है प्रवाहित करके लिख ले जाए। किंतु वो समुद्र के लहरियां आते आते किनारा में जस्ट टच करके पुनः वो लोट करके चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है। किंतु जब आंधी तूफान आती है, उस समय वही बड़े बड़े लहरियां और वो टच नहीं करके और समुद्र के भी बीच को भी वो लांग करके ऊपर चले जाती है, जिससे अनेकों मकान आदि आदि को तोड़ फोड़ करके सबको ध्वंस भी ध्वंस कर देती है। ठीक उसी प्रकार गोपियों के साथ कृष्ण की जो प्रेम की जो उतावल जो है, लहरियां जो है, पहले तो विधि को लेकर चलते हैं, मान करके चलते हैं, धैर्य धारण करती है, धैर्य धारण कर लेती है। किंतु वही प्रेम जब और आगे आकर के बढ़ते 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 बहुत दूर तक पहुंच जाती है, तो अब गोपियां समाज की जो श्रृंखला नियम जो है, समाज की श्रृंखला नियम के वो तोड़ करके चले जाते हैं। ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी दे कंप्लीटली व्हाट एंड दैट टाइम दे आल्सो आर रन टुवर्ड्स कृष्णा। समाज के विधि नियम के तब उस समय वो पालन करते हैं, जिसके लिए कृष्णा स्वयं गोपियों की यह बात कही, जिसके राधा जी के लक्ष्य करके क्या बोली, नौपायं निर्वत्तं संयुजं ससाधु कृतं विविधायु सभी जामा दुर्जन गृह श्रृंखला संवृश्च प्रतिजातु साधुना। ये आप लोग के जो हमारे प्रति जो प्रेम जो है, ये अनबद्ध कहा गया अनबद्ध, इटर्नल एंड ट्रांसेंडेंटल एंड स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियसली वो प्रेम, वह प्रेम इतने धारण करते हैं, न परांग निर्बद्धं समझो ससाधु कृत विवधायु सभी विवधायु माने ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करके, यानी सुदीर्घ आयु प्राप्त करके, यदि आप लोगों के चरण कमल को मैं सेवा करूं, तथापि आप लोग के ये प्रेम की ऋण से मैं मुक्त हो नहीं सकता, प्रेम उतार नहीं सकता, प्रेम के ऋण मैं उतार नहीं सकता। इसलिए कहते हैं नौ पारे हम निर्वतम समझो ससाधु कृत, आपके जो साधु कार्य जो है, आपके साधु कार्य क्या है, मेरे प्रति इतने प्रगाढ़ जो प्रेम, साधुत्व उसके कहा जाता है जो आप लोगों की जो प्रेम मेरे प्रति इतने प्रगाढ़ है। वैकुंठ में लक्ष्मी आदि के यह प्रेम नहीं है, वैकुंठ आदि में लक्ष्मी आदि की जो प्रेम, वो एक मर्यादा लेकर के चलते जा रहे हैं, वो मर्यादा के उल्लंघन कर नहीं पाते। किंतु आप लोगों ने क्या किया,
सारे मर्यादा के तोड़ करके, जैसे समुद्र समुद्र में जब आंधी तूफान होती है तो समुद्र में समुद्र के बड़ बड़ी लहरियां जैसे समुद्र के तटदस के प्लावित करके फ्लाडेड होकर के जैसे आगे बढ़कर चले जाते हैं, उसी प्रकार आप लोगों के जो हमारे प्रति जो प्रेम उसी प्रकार का है। इसलिए कहते हैं नपारंग निबद्धम सो ससाध कृत विबुधे सब जामा गृह श्रृंखला। गृह श्रृंखल समाज और गृह के जो श्रृंखल नियम जो है, श्रृंखल माने नियम, इसके भी तोड़ करके आप यही अनूठा प्रेम की मधुरिमा आप लोग के हृदय में है। वेद आदि पुराण आदि उपनिषद में जितने भी नियम कानून लिखा गया है, ये समाज के लिए स्थिति के लिए सब कुछ नियम कानून लिखा गया है। विधि मार्ग आदि समाज धर्म आदि वेद धर्म आदि पालन आदि दिखाया, किंतु आप लोगों ने क्या किया? वेद धर्म समाज धर्म समस्त प्रकार धर्म के आप तिलांजलि जलांजलि दे दिया है? क्यों? हमारे प्रति आप लोग अनबद्ध प्रेम होने के, आप लोग जो प्रेम इतने सुंदर निर्मल प्रेम कहा गया, आप लोग हमारे प्रति प्रेम कैसे है? अत्यंत निर्मल प्रेम है। निर्मल का क्या है? जहां पर वैधि भक्ति के द्वारा वो प्रेम प्राप्ति नहीं होती, ऐश्वर्य गंधहीन वो प्रेम कहा गया है। लक्ष्मी आदि देवियों के कृष्ण के प्रति जो प्रेम, उसमें ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम कहा जाता है, ऐश्वर्य मूला प्रेम कहा जाता है। किंतु राधा आदि गोपियों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम, उसे कहा जाता है ऐश्वर्य गंध रहित प्रेम कहा जाता है। इतने सुंदर निर्मल प्रेम के द्वारा आप लोग के हृदय गठित, जिस प्रेमों के द्वारा आप लोग मेरे पास आए, यही तो कृष्ण दिखा चाहते हैं। जे जथामंग प्रपत्तंते स्तांग तथैव भजाम्यहं, मम वर्तानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण की प्रतिज्ञा क्या है? जो जिस प्रकार भावों के द्वारा मेरे शरणापन्न होंगे, मैं भी उनके निकट उसी प्रकार भाव को व्यक्त करेंगे। इसलिए कहता है जे जथामंग प्रपन्न, जो जिस प्रकार अपने भावों के द्वारा मेरे प्रति शरणागति हो जाएंगे, मैं उनके उसी प्रकार ही प्रेम करता हूं, ये मेरा नियम है। किंतु श्रीमद् भागवत में गोपियों की जो प्रेम, वो प्रेम अतीब अनूठा और अनबद्ध कहा गया, यूनिक अनपैरेलल्ड है। वह प्रेम इतने यूनिक और अनपैरेलल्ड होने के नाते है, और आप लोग ने क्या की मेरे पति आ गए। इसने गीता के जो प्रतिज्ञा वो भागवत में वो क्या हो गया? भंग हो गया। गीता में भगवान प्रतिज्ञा किया ना, ये जे जथामंग प्रबद्धन्ते, जो जिस प्रकार मेरे प्रति शरणागति होंगे, उसी प्रकार मैं उनके प्रति अब मेरा प्रेम को व्यक्त करूंगा। गीता में जो प्रेम की कथा बताया, जे जथामंग, ये क्या बुनियागरी प्रेम, बुनियागरी समेत बिजनेस प्रेम है, बिजनेस लव है, ट्रेड है, एक्सचेंज ऑफ लव। ये एक्सचेंज ऑफ लाभ क्या हो गया? उसी प्रकार तुम्हारे शरणागति के अनुसार मैं आप लोग की स्वीकार करता हूं। किंतु भागवत में क्या है? ये प्रतिज्ञा गीतार प्रतिज्ञा भांगी लो भागवत, भागवत में ये प्रतिज्ञा को पर टूट गया। क्यों? ना गोपियों के प्रेम की सर्वोत्तम तो दिखाया, कृष्ण हार गए और गोपिया जीत गई, यही प्रेम को दिखा रहे। गोपिया हर गई, एक गोपिया जीत गई और कृष्ण, इसलिए कृष्ण इसी शब्द को कहने के लिए
बाध्य हो गया। नपारयं निर्बद्धं संयुज्यं ससाधकृत व्यवदेशमिव जामा दुर्जय गृह श्रृंखला संवृश्य प्रतिजातु साधुना। इसलिए आप लोगों के निकट मैं चिर ऋणी हूं, अनंत काल तक माने ब्रह्मा जी के भांति आयु प्राप्त करके भी आप लोग के चरण सेवा करने पर भी निर्मुक्त बनूंगा। इसमें कारण क्या है? गोपियों की कृष्ण के प्रति एकांत की निष्ठा की परिचय दी है। The gopis, they are completely one-pointed with Krishna. और कृष्ण, what is the faults of Krishna? कृष्ण के दोष क्या है? क्या दोष है? कृष्ण one-pointed हो नहीं पाए। गोपियां one-pointed with Krishna. है? और कृष्ण, he could not one-pointed with gopis. Not other. Not possible. Because Krishna has one qualification that is called भक्त वात्सल्य। तो ही हैज क्वालिफिकेशन भक्त वात्सल्य, सो हाउ पॉसिबल ही विल गिव अप वन डिवोटी टू एक्सेप्ट अनदर। कृष्ण सेज इवन द वन पर्सन व्हिच कंप्लीटली रेचेड बट वन पॉइंटेड विद मी अपि चे शूद्राचरो भजते मां अनन्न भाक साधु रेव संबंधप सम्मोग व्यवसित ही। जो कोई एक केंद्रिक होकर के माने मेरे प्रति एक केंद्रिक होकर के वन पॉइंटेड होकर के भजन कर रहे हैं, किंतु पूर्वजन्म के ऐसे कोई सामान्य त्रुटि अथवा कर्म की दोष होने के नाते वो कहीं पैर फिसल जाए, तात्पर्य क्या है? अपिचे शूद्राचरते भी करे किंतु मेरे प्रति एकांतिकता निष्ठा होने के नाते मैं ऐसे दुराचारी भक्ति को भी मैं त्याग नहीं दे सकता। इसलिए अपिचे शूद्राचर भजते मांग अनन्न भाक साधु रेव संबंध कृष्ण करे, ऐसे दुराचारी व्यक्ति के भी साधु करो। साधु माने साधु करके उनकी आदर करो, यही मेरा मंतव्य है। अपिचे शूद्राचरो भजते मां अनन्न भाक साधुरेव संबंध, ये मेरा मंतव्य है। माने मेरा ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है। क्यों? उसमें क्या कर कृष्ण ये कहते जा रहे हैं वो मेरे प्रति अनन्न है। नो अन्न इति अनन्न, और कोई देव देवक देव देवी को पूजा नहीं करती है पर करती है। अनन्नता होने के नाते मैं ऐसे दुराचारी भक्त के भी मैं त्याग नहीं दे सकता हूँ। भले ऐसे दुराचारी भक्त की त्याग नहीं दे तो आपकी भजन भी करते दुराचरित करते तो कैसे मना जाएगा उसके भक्त का? तो उसके भगवान फिर दूसरे श्लोक में कहते क्या? क्षिप्रम भवती धर्मात्मा सच्चकंती कौंत्यो प्रतिजान हीनों में भक्त प्रणस्ति। भगवान अर्जुन के कहते हैं अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्त की कभी पतन नहीं होगा। क्यों? वो जो अभी दुराचरित उसको दिखाई पड़ रहे हैं, तुम्हारे दृष्टि में जो दुराचरित उसको दिखाई पड़ रहे हैं वो मैं क्या करूंगा? उसको पीट पाट करके क्या करूंगा? उसके शोधन करके जैसे सोना है, गोल्ड, गोल्ड में क्या रहता है? इंप्योरिटीज रहता है, है? तो स्वर्णकार क्या करते हैं? गोल्डस्मिथ क्या करते हैं? उसके आग में तपा करके उसके जो है वो इंप्योरिटी जो है खाद को जो है उसको निकाल देते हैं और असली सोना के जैसे ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान उसी प्रकार कह रहे हैं वो मेरे प्रति अनन्न भाव होने के नाते मेरे ही कर्तव्य है क्या जल्दी जल्दी उनके हृदय में जितने भी काम क्रोध दुष्ट दुराचरित है मैं ही शोधन करके फिर मैं ले लेता हूं अपना ऐसा। उनके दुराचरित रहते हुए मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूं। कोई के सोचते हैं ये वो दुराचरित भी कर रहे हैं भगवान के एकांतिक भजन कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। उसको क्या करता हूं मैं उनको दुराचरित को मैं क्या करता हूं
नष्ट कर देता हूँ। मैं तो बहुत सही था यार। हैं? और करके उनके हृदय के निर्मल करा करके मैं स्वीकार कर ग्रहण कर लेता। निकला क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। क्षिप्रम माने जल्दी जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएंगे। अभी जो उदराचरित कर रहे हैं मेरे एकांती होकर के एकांती निष्ठा कर रहे हैं तो मेरा ही कर्तव्य है उसके दुराचरित को मैं ही पीट पाट करके, जैसे स्वर्णकार गोल्ड स्मिथ जैसे सोने के जैसे आग में तपा करके पीट पाट करके है? जैसे सारे खाद को जैसे वो इम्प्योरिटी की जैसे बाहर निकाल करके असली सोना को जैसे ले लेते हैं, मैं ही उसी को जो है उसी प्रकार दंड दे करके पीट पाट करके, मैंने मतलब क्या है चेस्टाइजमेंट दंड आदि दे करके उनके हृदय के शोधन करके। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो नौमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त की कभी तात्पर्य क्या है, अनन्य जब हो जाता है तो भगवान कहते हैं उसको मैं ले लेता हूं। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ अत्यंत निकृष्ट जो भक्त दुराचारी भक्त उसको भी भगवान छोड़ नहीं पाते है। भगवान कहते हैं तुम लोग क्या मैं छोड़ कर जो अत्यंत घृण और नीच व्यक्ति की भी भगवान में शरण में कोई आ जाए भगवान उसे छोड़ देते हैं। ये भगवान इसके मतलब क्या है, भगवान किसी भक्त को छोड़ नहीं पा रहे। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रपाद कहते हैं भगवान में एकांतिकता नहीं हो सकता है, किसको छोड़े और किसके छोड़े है? भगवान किसको छोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए सबको लगते हैं। किंतु भगवान क्या कर रहे हैं, हे गोपियों आप लोग ने क्या की मेरे प्रति अनन्य है, और ये अनन्यता का पराकाष्ठ आप लोग के हृदय में है, इसलिए आप लोग के निकट में चिर ऋणी हूं। इस कथा के सुन करके गोपियां रो पड़ी। गोपियां कहने लगे कृष्णा गोविंद तुम हार करके भी जीत गए और हम लोग जीत करके भी तत्पर जगह है जो तुमको हराने के लिए हम लोग जितने भी युक्ति स्थापन किया और तुम चतुर होने के नाते हमारे सारे युक्ति को क्या करते काट फट करके अपने युक्ति में स्थापन करते। तत्पर जो यह है ये गोपियां इसलिए कहते हैं कहती हैं प्रेम ऐसे एक वस्तु है, प्रेम प्रेम प्रेमिक प्रेम के प्रेमिका को कभी ऋण में बद्ध रखना नहीं चाहिए, समझ में। प्रेम ऐसे निर्मुक्त होना चाहिए, पिंजरे में जैसे पक्षी रहता है वो तो बंधे रहता है, पक्षी के स्वाभाविक रूप में देखना है तो कैसे होना चाहिए, पिंजरे से जो मुक्त हो जाता है नील आकाश में खोली खोली मैदान में जब वही पक्षी जब उड़ता रहता है कलरव करता रहता है स्वाभाविक रूप में जब अपने हृदय को प्रकाश करते रहते हैं उनके हृदय की एक अनूठा होता है, और वही पक्षी जब पिंजरे में बंद हो जाता है केज में जब बंद हो जाता है किंतु वो तो कलरव करता है और पिंजरे में रह करके थोड़ा बहुत भी उड़ भी लेते हैं किंतु उसके सौंदर्य माधुर्यता प्रकाश नहीं होता है, नील आकाश में खुले मैदान में जो पक्षी जैसे उड़ता रहता है। वास्तव यही उदाहरण है किंतु निर्मुक्त जो प्रेम उसे की कहा जाता है, प्रेम पिंजरे में रह करके जो प्रेम आदि होता है वो प्रेम की माधुर्यता प्रकाश नहीं होता है, और वो प्रेम पिंजरे से मुक्त होकर के
जब वो प्रेम प्रकाश होता है वो प्रेम की एक अनूठा अनवद्य निर्वद्य कहा जाता है। तात्पर्य क्या है? वो प्रेम जब समाज के श्रृंखल का द्वारा नियम के द्वारा बंधे रहते हैं है? वो प्रेम की एक दूसरी उदाहरण करते हैं है? जैसे संसार में पति पत्नी का प्रेम, किंतु संसार में पति पत्नी के प्रेम कैसे है? वो समाज के नियम श्रृंखला के द्वारा ही वो बंधे हुए है कि नहीं? इस संसार में जो हम प्रेम देखते हैं पति पत्नी के जो प्रेम, वो प्रेम संसार के नियम के द्वारा बंधे हुए है, मानो पिंजरे के द्वारा बंधे हुए है। पिंजरे के बाहर रह नहीं सकते, ना नहीं आ सकती है, है? ये वो प्रेम की होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, चलो इस संसार में संसारिक प्रेम के जो हम देखते हैं पति पत्नी जो प्रेम होते हैं घूंघट लेकर के चलते हैं, आजकल तो है ही नहीं है, घूंघट लेकर चलती है ना है? पति को जो सम्मान करती है, प्यार छूती है, ये लोग तो आजकल तो विदेशी में सब शिक्षित है ना, ये सब सुन करके हंसेंगे, वो पति के पति देव के पैर छुएंगे, पति हमारे पैर छुए। किंतु वैदिक कल्चर में ही है, प्रेम तो है पति पत्नी में जो प्रेम है, किंतु पति देव के क्या मानते हैं? परमात्मा स्वरूप भगवत स्वरूप मानते हैं। इसे प्रातः काल में उठ करके पति देव के चरण स्पर्श करो, देखो रामायण में दिखा ना सीता देवी, देखा रामायण रामानंद सागर के देखा ना, सीता देवी प्रातः काल में उठ करके रामचंद्र के चरण कमल के जो है प्रणाम कर रही है, तुम करती हो? नहीं करती। यही वैदिक कल्चर है, क्यों? ये सीमाबद्ध है, समाज के नियम की सीमाबद्ध दिखा रहे हैं। पतिदेव के साथ कैसे वार्तालाप करना, अत्यंत धीर नम्र होकर के बातचीत करना है, लजाते हुए है, माने शर्माते हुए है पतिदेव के पास बात करें, और अत्यंत धीरे धीरे बात करना, ये दूसरी व्यक्ति की सुनाई ना पड़े है। और पतिदेव अपने पत्नी की यही बातों को सुनने के लिए कान खड़े कर रहते, क्या बोल रहे, आधे बात उनके मुख में है आधे बाहर है। अब आधा है ना, आधा कथा जो है जब विवाहिता होकर के आती है अपने पति के घर में, हमारे रूप से ही बात इसके उदाहरण दे रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप इसके पढ़ो, मैं इसे अपने मुख से नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग माई ओन इंटरप्रिटेशन। हमारे रूप से ही बात करिए, करिए एक श्लोक में, जैसे नव विवाहिता पत्नी, नव विवाहिता जब अपने ससुरालय में आती है और अपने पति के साथ कैसे बात करती है, अत्यंत धीर छीन शब्द से के साथ और लजाते हुए हंसते हुए और अत्यंत जो है धीर स्थिर होकर आधे मुख के ढक लेती है, क्या बोले, अंचल के द्वारा आधे मुख के ढक लेती है, पति के सारे मुख को दिखाती नहीं है, क्यों, कहीं और व्यक्ति ने उनके मुंह के देख ले, इसलिए क्या करती है, लज्जा भी है और हृदय में आनंद भी है, है? और अत्यंत छीन शब्द से, वेरी सॉफ्ट एंड साई लज्जा लजाती भी है पति के देव के साथ बात करती है, दूसरे के कान में सुनाई नहीं पड़ती है, क्या बोल रही है, पति के साथ क्या बात कर रही है, निकट में उसके कोई व्यक्ति खड़े रहे उसके भी सुनाई नहीं पड़े, और पति भी क्या है उसी अपने पत्नी को बातों की सुनने के लिए कान खड़ा करके रखा, मेरे पत्नी क्या बोल रही है, और वो शब्द कैसे बोलती है, सांकेतिक शब्द के द्वारा है, सांकेतिक शब्द के द्वारा पति के साथ बात करती है, इस हमारे रूप में सांकेतिक शब्द है। समाज में और भी जब उसके बाल बच्चे होते अपने पति को कह दे,
क्या बोलते हैं पति को, नाम तो लेते ही नहीं जीवन में कभी है, अपने बेटा के नाम लेकर के बोल है, ओ कन्हैया के पापा, ओ कन्हैया के पापा, माँ जसोदा कैसे कहते हैं, कन्हैया के पापा है, है? अरे हमारे कन्हैया कैसे हो गया देखो, माँ जसोदा कभी नहीं कहता नंद बाबा सुनो, ये बात नहीं कहते नंद महाराज सुने शब्द तो नहीं कहते, कन्हैया के पापा है, लाला के पापा, यही तो बोल देते। ठीक उसी प्रकार ये समाज की विधि क्यों के चलते हैं, तो परिकित में क्या हो जाता है, ये घुंघट फूट कुछ नहीं होता है, ये घुंघट नहीं रहती है, पतिदेव के साथ अभी तो घुंघट दे करके बात करके कर रही है, किंतु जब पतिदेव जब चली जाती है काम में, तब क्या था, पर व्यासिनी नारी व्याग्रवी गृह कर्मसु असद्यंत नवसंगरसायनम, पतिदेव जब घर घर से बाहर चली जाती है, घर के सारे काम तो वो संभाल रही है, घर के सारे काम वो संभाल रही है, काम कर रही है, किंतु उनके मन क्या है, पर पुरुष के प्रति, और इतने उत्कंठित हो रहे हैं और ढूंढ रही है कि कब ऐसे मौका मिले अपने क्या है उनके साथ मिलने के समय कैसे, उस समय ढूंढ रही है, देखा कि अभी रात हो गई, सब लोग सो गए, दरवाजा खोल करके धीरे धीरे चल पड़ी, फिर थोड़ी दूर जाकर घूम करके आई, पता नहीं दरवाजा खुला है कोई नहीं, देख लिया तू क्या करती है, दरवाजा खोल करके चली जाती है, अपने प्राण प्रियतम के साथ मिलने के लिए क्या करती है, आधी रात में दरवाजा खोल करके चल पड़ी, और फिर अंधेरा में फिर घूम करके, पता नहीं सास जग गई, ससुर जग गया कि नहीं, फिर घूम करके झक करके देख लेती है, हाँ सांस तो अभी खर्राटा ले रहे हैं, तो फिर क्या करते, फिर दूर तक सो जाती है, फिर दो कदम जाने के बाद फिर लौट करके क्या दी, ननद सो रही कि नहीं है कि नहीं, माने विधि नियम को तोड़ करके जा रही है, किंतु कभी कभी कर नहीं पा रही, फिर घूम कर है? इसलिए कहते हैं परव्यासी नारी व्याग्रो विग्रह कर्मसु असद्यंत नवसंग रसायन, गृह की काम वो ठीक से कर रही है सब कुछ, किसी को पता नहीं है ये नवविवाहिता है, अभी जब शायद शादी करके आई है, और दूसरे पुरुष के प्रति, दूसरे पुरुष कहाँ से आ गए उसका, अतः विवाह होने के पहले और कोई पुरुष के व्यक्ति के साथ जो संबंध था वो संबंध अभी तोड़ नहीं पाया, अभी तो शादी इसके कर ले, उसके माता पिता ने इसको जबरदस्ती के शादी करा दी, उसके शादी करने इस पुरुष के साथ शादी करने की उसको इच्छा नहीं थी है, किंतु समाज के विधि के अनुसार उनके माता पिता तो इस लड़के से शादी कर दिए, किंतु बचपन में उनके साथ जो विवाह के पहले जो उस पुरुष के प्रति जो था है? जो प्रेम मिलन जो था उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, वो भूल नहीं पा रही है, इसलिए क्या करती है, उनके साथ मिलने के लिए वो इतने उत्कंठित हो जाते हैं, दो कदम घर से निकल करके जाती है, फिर आ जाती है कहीं कहीं देख लिया तो क्या होगा, फिर आ जाती है, फिर चल जाती है, अच्छा ठीक है, सास और ससुर सो रहे हैं कि नहीं, देखा सास ससुर तब गंभीर निद्रा में सो रहे, किंतु ये तो हो गया, और दूसरी क्या है, ननद जो है, वो तो बड़ी और भी खतरनाक है, वेरी डेंजरस, वो भी तो खतरनाक होगी कि नहीं होगी, वो भी देख लिया तू, फिर ननद के कमरे में जाकर के फिर यहीं पर से झांक करके देख ले, देखा हाँ ननद भी सो रही है, तो इसी प्रकार समाज की विधि नियम के वो
कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं। किंतु गोपिया ने क्या की, गोपिया ने क्या कर दी, परवाह नहीं की, परवाह समझ लो, डोंट केयर। बोले सास कहे और ससुर कहे कुछ भी कहे, बोले कान में बिल्कुल क्या कर दिया, बधिर कर दिया, बधिर समझते हो, कंप्लीटली डेफ। बोले कोई कह नहीं रहे, करने दो, हमें क्या लेना देना है, क्या लेना देना है, घर से निकाल दे चलिए, इससे क्या होता है। यदि कहे तू दुराचारी नहीं हो, जा ये से घर से निकाल दे चले जाएंगे, और भी अच्छा ही है, कोई परवाह नहीं कर है? इतने गोपियां इतने डिस्पर्ट हो जाती है, डिस्पर्ट समझती हो ना, परवाह नहीं करते है? छोड़ दो सब है? सास कहे, ससुर कहे, ननद कहे, समाज भी कहे, कोई परवाह नहीं है। तो यही इसी प्रेम को जो है कृष्ण कहते जा रहे हैं, यही प्रेम को कृष्ण गोपियों की प्रशंसा कर रही है। जो पहले जो प्रेम की जीवित कथा कहा उस प्रेम की शिथिलता है, किंतु ये गोपियों की प्रेम में क्या दिखा रहे, कोई परवाह नहीं है। गई आता है जो, मई आता है जो, भाई आता है जो, गोविंद को भी नहीं मिलता है। बोले अपने माता पिता को ही छोड़ देंगे, माता पिता कहे तू बात नहीं मानती हो, है अरे ऐसे क्यों करे, जा घर से निकल जा, निकल ही जाए, छोड़ देंगे माता पिता को, भैया आता जो, मैया आता जो, गई आता जो, सब कुछ त्याग दे देंगे, किंतु गोविंद गोपियों की यही प्रेम की एक वैशिष्ट दिखा रहे हैं। गोपियों की प्रेम की वैशिष्ट्य क्या है, इसमें ही लिखा हुआ है, तजंतु बंधवा सर्वई निंदस्तु गुरुवो जना तथापि श्याम सुंदर मम सर्वस्य जी। पुनः जो है वो शार्निंग करने लगे हैं, तो क्या बना, ती निकला है, इसलिए हो गया पी रीति। यही प्रेम के द्वारा संसार में जीव मोहित होकर के रहते हैं। हम अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ एकत्रित रहने के तात्पर्य क्या है, जिसका हम प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम नहीं, उसके मोह में ही हम पड़े हुए हैं, ऐसे वो मोह में उसमें पड़े हुए हैं, इल्यूजन इसमें हम लोग पड़े हुए हैं, मोह में, उसी मोह के करते संसार में बंधन में आ जाता है। किंतु निरबद्ध प्रेम क्या है, जिसमें कोई मोह बंधन नहीं होता है, वो प्रेम प्रेम एक निरबद्ध स्वाभाविक रूप में अपने प्रिय प्रियतम के ऊपर लगते रहते हैं, उसी प्रेम के जो कहते जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं विधि निर्मिलो तारी। ब्रह्मा जी कहते हैं यही प्रेम को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, यही प्रेम को दिखाते हैं क्या, वो प्रेम के आनंद और क्या है, ये संसार के लोगों की अनुभूति नहीं है। इस संसार में जो हम प्रेम जो कहा, मोह जो कहा, ये दुख के कारण बन जाता है। यही संसार की जो प्रेम जो बंधन, ये दुख के कारण बन जाता है। किंतु गोपियों के हृदय में कृष्ण के जो प्रेम, वो दुख के कारण नहीं, तो एक आनंद की लहरियां चलती रहती है, ये आनंद की लहरियां चलती रहती है। उसी प्रेम की बारे में हमारे आचार्य पाद में दिखाया, भागवत आदि ग्रंथ में जो प्रेम की परिभाषा, प्रेम की जो प्रकाश जी किया, उसी प्रेम के लिए कहा जाता है, वो एक आनंद होता है, विरह में आनंद की लहरियां चलती, ऊपर से गोपियां रो रही है, किंतु अंतर हृदय में क्या होता है, आनंद होता है। तब तो इत्थ चौरवन जोई छे छड़ा न जाए, तभी हुए गन्ना के जैसे हम चिबाते हैं, माने आग में गन्ना को तपाओ, आग गन्ना गर्म हो जाता है ना, अंदर में रस भी गर्म हो जाता है, और जब वो चिबाते हो वो जिहा क्या जलता है,
किंतु इतने मिठास है अब उसको छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए कहते हैं क्या चर्बत तब तो इक्षुन चर्बन जो इच्छे छरानो न जाए है तब तो इक्षु तपे हुए गन्ना और इतने मीठा होता है उसे छोड़ नहीं पाते है। ऐसा बोले प्रेम उसी प्रकार गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेम ऐसे एक मधुरता धारण करते कर लेते हैं छोड़ नहीं पाते। समाज के लोग गाली देते हैं है किंतु उनके कोई परवाह नहीं करते प्रेम ऐसे हो जाता है। उस समय वो निलज्ज हो जाता है कोई भी परवाह नहीं छोड़ नहीं पाए। इसलिए हमारे चंडीदास जी कह रहे हैं किंतु ये प्रेम वही प्रेम क्या चीज है उसी को आसादन करने के लिए कृष्ण सचिनंदन गौर हरि के रूप में आ रहे हैं जिससे राधा जी स्वयं कह दी हे कृष्ण तुम प्रेम के महिमा नहीं जानते हो। प्रेम के दो वस्तु होता है एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। कृष्ण प्रेम के क्या बनते हैं विषय बनते हैं। राधा आदि गोपियां प्रेम के क्या बनते हैं आश्रय क्योंकि आश्रय विषय के मिलन में ही प्रेम उत्पन्न होता है। समझ गए प्रेम एक हाथ में जैसे एक हाथ में हम ताली नहीं दे सकते आई लव यू और यू डोंट लव टू मी द प्रेम विल नॉट मैनिफेस्ट। आई लव यू लव मी देन प्रेम इज मैनिफेस्ट। प्रेम जैसे हम एक हाथ में ताली नहीं दे सकते शब्द नहीं आएगा ताली नहीं बजेगा परस्पर प्रेम की उसी प्रकार जो है तो राधा जी कह रही है किंतु प्रेम की एक विशेषता होता है कृष्ण में जो प्रेम है वो विषय जातीय प्रेम कहा जाता है और राधा जी में जो प्रेम है वो कौन सा आश्रय जातीय प्रेम है। ये इतना ही फर्क पड़ जाता है भाई आश्रय विषय मिलन में तो प्रेम है किंतु प्रेम की जो आस्वादन जो है अलग अलग हो जाता है। कृष्ण जो प्रेम आस्वादन करते हैं राधा जी जो प्रेम आस्वादन करते हैं उसमें अलग बनता रहता है क्यों वो आश्रय विग्रह होने के नाते उनके आस्वादन दूसरी होते हैं कृष्ण विषय विग्रह होने के नाते उनके आस्वादन दूसरी होते हैं है? यही कहते जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं जो राधा जी के हृदय में प्रेम की है क्या चीज आश्रय विषय अपेक्षा आश्रय से प्रेम की जो सुंदरता माधुर्यता अधिक होता है और कृष्ण के हृदय में जब न्यूनता हो जाता है न्यूनता समझो मिनिमम मिनिमाइज कम हो जाता है उन कम होता है राधा जी के प्रेम ऊंचे हो जाता है तो कृष्ण वही राधा जी को प्रेम को आस्वादन करने के लिए तू ऊंचे प्रेम को हम आस्वादन करें वो क्या चीज है जिससे हमारे सदस्य राधा श्रीधा प्रणय महिमा गीति शोभा नहीं बा श्रद्धोजन मधुरिमा गीति शोभा मधुय सुखंच मधुर कृत शुभ लोभा यही प्रेमों के आस्वादन करने के लिए कृष्ण राधा जी के भाव और अंग कांति के लेकर के गौर हरि के रूप में प्रकट है और वही प्रेम आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुर में गंभीरा में सर्व दामोदर रायनंद के निकट है किंतु संपूर्ण रूप से संभव नहीं हुआ। प्रेम को संपूर्ण रूप से आस्वादन करना संभव ही नहीं हुआ क्यों है तो कृष्ण विषय तत्व ले लिया तो राधा जी के भाव और कांति व्यक्ति तो वही एक ही है व्यक्ति तो वही है किंतु भाव और कांति तो इतना ही तो ले लिया किंतु जब तक इसलिए तो कह रही है राधा जी करे मरिया होई आमी नंदर नंदन तुम्हारे कोरी ब राधा पीरीति कोरिया छाड़िया जाइबो तखनो जानिबे पीरीति केमन जाला है। राधा जी कह रही है इस जन्म में गोविंद तुम्हें प्रेम की ये जाला कष्ट क्या है होता हृदय में ये तुम्हें पता नहीं है अथवा प्रेम की आनंद क्या होता है ये भी तुम्हें पता नहीं है
अच्छा प्रेम आनंदमय है कि दुखमय है, सुखमय है, इसको भी निर्णय देना संभव नहीं है। इसको कहते हैं ससंबद्धता कहा जाता है। क्या समझ, क्या बोला? प्रेम वास्तव रूप में आनंददायक है कि दुखदायक है, इसको निर्णय देना, यू कैन नॉट टेक डिसीजन। यू कैन नॉट टेक डिसीजन, लाइफ इज फुल ऑफ ब्लिस और कंप्लीट सफरिंग है। प्रेम क्या है? इसलिए कहा जाता है विषाम मृत जन एकत्र मिलन। हमारे चैतन्य चरित में कहते हैं विष और अमृत है, विष पीने से क्या होता है? विष माने पॉइजन। इफ यू ड्रिंक द पॉइजन यू विल डाई, शरीर में जलन होगा ना। विष पिया कभी? बोले विष पान करने से पहले शरीर में जलन होता है, मैंने सारे खून को कर देता है, सेल को सब नष्ट करता है, इसलिए शरीर में क्या होता है जलन होता है। मैंने एक देखा, एक लड़की को देखा, वो विष पान कर लिया। आपके सामने? मेरे सामने मैंने विष पान किया अच्छा, तो जब वो पान कर लिया, पी लिया, फिर बाद में बेचारा वो उल्टी करने लगे और तड़पने लगे है। हमारे गांव में देखा ना, अस्पताल तो कम से कम 5-10 किलोमीटर दूर है, ले जाएंगे कैसे? और गांव में तो ऐसे डॉक्टर भी नहीं है, उस समय की बात है, ऐसे 40-45 साल के बाद बता रहा हूँ। और उन्होंने, मैंने उनको देखा, छटपटाने लगे, बोले बचाओ बचाओ बचाओ, बोले मेरे शरीर में जलन हो रहा है, मेरे शरीर में, सारे शरीर में, वो बोल रही है मेरे शरीर में जलन हो रही है, वो स्वयं बोल रही है, उल्टी कर रही है, उल्टी कर रही है, सारे वो जो क्या बोलते हैं विष को जो है वोमिटिंग कर रही ना, उल्टी कर रही है, और उल्टी करते हुए देखा सारे जो 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 पी लिया था वो उनका आ रहा है निकल कर। तो पूछा तुम्हारे क्या हो रहे शरीर में? अरे जलन हो रहे है शरीर में, सारे शरीर जलते जा रहे हो, करे जैसे आग में झुलसते है ना, ऐसे करे मेरे शरीर में जैसे किसी ने आग लगा दी, आग लगा दी, जाओ करे है, बचाओ 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 बचाओ, ऐसी कर रही है, वो बोलते जा रहे मुझे बचाओ, मुझे बचा लो है। क्यों? उस समय वो पॉइजन क्या करता है, उनके सारे शरीर के जो रेड जो सेल है उसको क्या कर रहे हैं, ढंग से करते जा रहे और शरीर में से जलन होते जा रहे है, रेड सेल है। मैंने तो आंखों से देखा और वो तड़पने लगे और ऐसे लोटपोट खाने लगे, जैसे शरीर में आग लगने से है, जैसे जलन होता है, वो सोचता है इसे आग की आग हमारी झुलस रहे और ऐसे उसके करने वो लोट पड़ता है। मैं देख गांव के क्या करेंगे इसमें, हॉस्पिटल दूर है, हॉस्पिटल तो कम से कम 10 किलोमीटर दूर, 10 मील दूर है, हॉस्पिटल ले जाने कोई साधन नहीं है। सब गांव के लोग एकत्रित हो गया, देख रहे हैं लोटपोट खा रही, कैसे अस्पताल कैसे ले जाएंगे? और गांव के वो भी 10 किलोमीटर जो अस्पताल जो है वो खुलता है मानो 9-10 बजे खुलेगी, उसमें उस समय इमरजेंसी थोड़ी है, कोई मर जाए कुछ हो जाए उसमें क्या होता है? आजकल तो इमरजेंसी हो गया, चलो डॉक्टर भी अवेलेबल, कब कुछ हो जाए है। और रास्ता गांव के रास्ता है, रिक्शा तक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे ले जाएंगे है? और ऐसी लुटपुट खा लो, लुटपुट खा लो, शरीर में करे मेरा शरीर में जलन हो रही है, बचाओ बचा लो बचा लो है। मैं तो ऐसे उस समय तो मैंने पी लिया, किंतु आप लोग मुझे बचाओ, क्या करें? ऐसे कहते 15-20 मिनट ऐसे लुटपुट कर रहे, तथापि वो क्या बोले बोरी में ये होता है ना, ऐसे करके डोला तैयार करके उसके अस्पताल तक ले चल कर, तो चलते चलते बस वो मर गए, मर गए। 15-20 मिनट ऐसे लुटपुट करते करते जब उसको अस्पताल ले जाने के तैयार हुई, तो धीरे धीरे उसके शरीर ऐसे शांत हो गए, हाथ पैर बिल्कुल शीतल हो गया, खींच जब मरने होता है ना, ये हाथ बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा, टेढ़ा नहीं होगा। हाँ समझो, मरा हुआ व्यक्ति को देखा, उनके हाथ पैर बिल्कुल ऐसे
सीधे हो गए सर, मुड़ेगा नहीं, ऐसे तो हाथ मोड़ते ना हमारे, क्या वो प्राण वायु चले जाते हैं हाथ पैर बिल्कुल। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे विष अमृत पान, विष पान करने से जैसे शरीर में जलन होता है, और अमृत पान करने से शरीर में जैसे आनंद होता है, शीतलता होता है, बोले इसलिए कहते हैं विषामृत जनो एकत्र मिलन। बोले प्रेम कैसे, बोले विष और अमृत एक ही साथ में जो कि पान करे, बोले उसी प्रकार हो जाता है, शरीर में जलन होता है और एक ही साथ आनंद होता है। बोले ये कैसे संभव है, बोले यही अप्रकृत दिव्य प्रेम कहा जाता है। इसे कहते हैं विषामृत जनो एकत्र मिलन, प्रेम के बारे में हमारे चैतन्य चैतामृत कृष्णदास कविराज कहते हैं बड़े विषामृत जन एकत्र पान मिला। हमारे सनातन को दूसरी उदाहरण दे रहे हैं, प्रेम कैसे, प्रेम जलनशील है कि आनंद है उसकी भी निर्णय देना संभव नहीं। जैसे एक टुकड़ा बर्फ के खंड हाथ में आप लीजिए, आपके कुछ समय के बाद हाथ में क्या होता है, ऐसे लग रहा है आपने मेरा हाथ जल रहे हैं, क्या बर्फ खंड हाथ लेने से हाथ जलता है, क्या जलेगी, बर्फ जलाती नहीं है, किंतु ऐसे रखोगे कुछ समय के रखने बाद दो चार मिनट पकड़ने के बाद ऐसे लगे हाथ जल रहे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बड़े मेरा हाथ जल रही है, अने सारे सुन्न हो जाते। बोले कि प्रेम उसी प्रकार ही होता है, है? यद्यपि जड़ उदाहरण सर्वत्र एक नहीं होने पर भी इस उदाहरण देते हैं ये प्रेम अग्निवत जला है कि बर्फ के भांति शीतल है, है उसके लिए वो ऐसे निर्णय देना संभव नहीं। इसलिए स्वयं राधा जी कह रही है मरिया होई वा अमी नंद रनंदन तुम्हारे करी व राधा प्रीति करिया छाड़िया जाइव तखन जानिबे प्रीति केमन जाला। ये प्रेम की जाला क्या होती है, आग के भांति गर्माई होते कि बर्फ की भांति शीतल ठंडा होता है, ये तुम समझ नहीं पाओगे, ये तुम अनुभव ही करोगे। क्या मौरिया आमी नंदेर नंदन तुम्हारे कोरिब राधा प्रीति कोरिया छाड़िया जाइब तखन जानिबे प्रीति केमन जला। चलो यही तो प्रेम की बात मैंने कहा दी, आज जिस स्थान पर आए हैं इसके संक्षेप में इस कथा को मैं आप लिखने के बाद बताता हूँ। कल्प भेदे से हरी कथा, विभिन्न कल्प में भगवत और भगवान के प्रिया आदि जो है प्रकट लीला आदि वर्णन करते हैं। गुरुदेव कहते हैं इस कल्प में राधा जी के जो जन्म लीला आदि जो है इसी स्थान पर लाराबिल में है। राधा जी के जन्म महत्व ब्रह्मांड पुराण आदि अनेक पुराण में अनेक कल्प में अनेक कथा है। किसी कल्प में राधा जी वहीं पर प्रकट हुए, कहा विश्वानुकुंड में, विश्वानु बरसाना में विश्वानुकुंड से। किसी कल्प में राधा जी अंडे से प्रकट हुए हैं, किसी कल्प में राधा जी अग्नि से प्रकट हुए हैं। राधा जी की प्रकट की अनेक लीलाएं कथा है इसमें, तो पुराणों में इसलिए कहते हैं कल्प वेदेशु हरि कथा। इसी परंतु इस कल्प में राधा जी के जो प्रकट जो है यही रावेल में हुआ। ये रावेल के शब्द होता है जमींदार के जो है एक टाइटल होता है रावेल, है ब्रज क्या है, ब्रजयति चलयति गमयति दी ब्रज, ब्रज क्या है वो चलनशील है भ्रमण होता है, इसलिए ब्रजयति चलयति गमयति ब्रज चलनशील होता है एक स्थान से। ब्रजवासी के उपजीविका जो है क्या है, उपजीविका दिस इज हाउ दे मेंटेन देयर लाइफ। ब्रजवासियों की उपजीविका क्या है, गो आदि पालन आदि के द्वारा उनके भरण पोषण होता है, दे नरिशमेंट द काउज, मिल्किंग द काउज एंड ड्रिंकिंग द मिल्क एंड बटर, इन दिस वे दे मेंटेन देयर लाइफ। और गायों की जहां जहां पर गायों की घास खत्म हो जाती है उस स्थान के छोड़ करके दूसरे स्थान में चले जाते हैं, इसलिए ब्रज में ये लोग चलते फिरते हैं। जैसे कुछ लोग होते ना क्या बोलते हैं वो, एक स्थान में कुछ दिन रहते हैं फिर दूसरे स्थान चले जाते हैं, जिप्सी पीपुल। जिप्सी पीपुल जैसे
है, एक स्थान पर रहते कुछ दिन, फिर उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में चले जाते। ठीक, ब्रजवासियों की है, क्या करते हैं, जहां जब गाय की घास जहां पर होती है वहीं पर कुछ दिन गायों के पालन पोषण करती है, फिर उस स्थान के घास जब खत्म हो जाती है उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में चले जाते हैं। इसलिए नंद बाबा नंदगांव में रहने लगे है, और विश्वानु महाराज बरसाना में रहने लगे। तो उस स्थान पर बरसाना नंदगांव में घास जब कम हो गया खत्म हो जाते हैं, ये लोग नंदगांव छोड़ करके कहां जाते, गोकुल में आ जाते हैं है? आ गए ना। और विश्वानु महाराज ये रावल में रहे, यहीं पर रहने लगे। इस स्थान में जब घास खत्म हो जाता है तो इस स्थान के छोड़ करके छठीकरा चले जाते हैं है? नंद बाबा छठीकरा में रहने लगे और विश्वानु महाराज बाटी गांव में रहने, निकट में गांव है वहीं पर रहने। तो इसी प्रकार कभी फिर आगे चले जाते हैं, काम्बवन में चले जाते हैं। इसी प्रकार ब्रज में विभिन्न स्थान पर ऐसे चलते रहते हैं लोग, जैसे जिप्सी लोग ऐसे चलते रहते हैं एक स्थान को छोड़ करके, ये ब्रजवासी लोग जो है उसी प्रकार प्राचीन काल के इसी प्रकार। अथवा इसी प्रकार कहे जाते हैं ये कुछ असुर दैत्य आदि जो उत्पात करना शुरू कर दिया है, केसी आदि दैत्य ये सब जो उत्पात शुरू कर दिया, ये लोग नंदगांव छोड़ करके गोकुल आदि में स्थान में आकर के बसवास करने लगे है। तो इसी के कहते हैं ब्रज शब्द कहते हैं ब्रजयती चलयती गमयती, ब्रज का चलनशील होता है माने एक स्थान के दूसरे। तो यहाँ पर कथा प्रसंग इसी प्रकार है, इसी कल्प की जो कथा जो है, जो कृष्ण नंद गोकुल में जन्म लियो है, और आनंदे नंद महाराज जन्मोत्सव, कृष्ण के जन्मोत्सव तो मनाया। नारद आदि समस्त देवता लोग गोविंद के बाल गोपाल को दर्शन करके आनंद में गया, तो शिव जी भी आ गए है, बहुत प्रसन्न है। नारद ऋषि भगवान की लीला के आस्वादन करने के लिए, आस्वादन करने के लिए बहुत चतुर होता है। नारद ऋषि ने क्या कि देखा तो कृष्ण तो जन्म लियो कहा गोकुल में, नारद ऋषि तत्त्वज्ञ भी है, कहते हैं जहां पर कृष्ण है उनकी शक्ति लादिनी शक्ति सुमती आदि कहीं नहीं कहीं जन्म लियो। नारद जी के अभी पता नहीं लगा ये श्रीमती राधिका कहां जन्म लिया। इधर उधर घूमते घूमते एक दिन नारद ऋषि अचानक यही रावल में पहुंच गए, और रावल में जब पहुंचे तब यहीं पर माँ कृतिका सुंदरी देवी दास और विश्वभानु महाराज नारद जी के बहुत सुंदर रूप में आदर अपन कर सम्मान किया। क्यों, प्राचीन काल में संत महात्मा की आदर करना ये एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया है, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति में यही है। नवश से लेके नवीन चंद्रमा जैसे समुद्र में जैसे प्रकटित होते हैं, उसी प्रकार विश्वानु महाराज के हृदय रूपी समुद्र से राधा रूपी प्रेम समुद्र प्रेम चंद्रमा जो है प्रकाशित। बस देखते ही विश्वानु महाराज के आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी, चित्त द्रवित, गदगद वचन हो गए हैं, उनके होंठ फफड़े फफड़ने लगे हैं, ये आज क्या चीज है। प्रेम के साक्षात मूर्तिमय श्रीमती राधिका प्रेमेर सार भाव भवेर सार महाभाव महाभाव सरगुणी राधा ठाकुर, वही राधा ठाकुर के प्रेम के सार जो महाभाव से राधा ठाकुर के लेकर के विश्वान महाराज कुछ खनकाल के लिए उनके शरीर क्या हो गया, स्तंभित हो गया, पैर मानो नहीं चल रहे, हाथ पैर बिल्कुल स्टैंड हो गए, स्तंभित हो गए है, चल है। फिर जोगमाया के द्वारा उनके शरीर में बल आ गया, फिर विश्वानु महाराज चल पड़े है। ऐसे दिव्य मूर्ति श्रीमती राधिका के दर्शन देव दुर्लभ कहा जाता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल दर्शन तो बहुत दिन की बात है, जिस दिशा में राधा जी रहती है उस दिशा को प्रणाम कर बार बार नतमस्तक प्रणाम करते हैं। जिससे हमारे पर्वतानंद सरस्वती पाद कहते हैं जो ब्रह्म सुख नाद भीष्म लक्षिता रा लक्षिता ससा सद्दो विष्णु अनंत चुनम ताम ताम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि।
बोले राधा जी के प्रणाम तो बहुत दूर की बात, जिस दिशा के तरफ राधा जी रहते उस दिशा को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो इसी प्रकार विश्वभानु महाराज अत्यंत प्रेम गंभीर से वह लाडली के जो है लेकर के आई और लेकर के अपने पत्नी कृतिका देवी के गोद में दी। कृतिका देवी हुई मानो किस भावना से बैठी हुई थी, ऐसे अचानक ऐसे सुंदरी राधा जी के प्राप्त करके हृदय में आनंद की लहरें, ये स्वाभाविक है। जो आनंद के मूर्तिमय राधिनी शक्ति समूह किसी के गोद में जाए, किसी के भी इस किसी प्रकार स्पर्श हो जाए, वो तो आनंद उसमें ही संचारित हो जाए। जैसे तड़ित माने बिजली, बिजली के कोई पकड़ लिया तो उसके सारे शरीर में बिजली हो जाए, और उसके जो पकड़ लेंगे उसके भी शरीर में बिजली आ जाए। है देखा ना, एक व्यक्ति अंजन में बिजली के तार को हाथ पकड़ लिया, उनके सारे शरीर में बिजली आ जाएगी नहीं, और उसके जो पकड़ेगा उसके भी आ जाएगा, उसके जो पकड़ेगा 10-20 कोई भी पकड़ ले उसके उसी प्रकार जैसे चले जाते हैं। है? प्रेम की मूर्तिमती श्रीमती राधिका कहां पर पकड़ हुई, मानो विश्वभानु महाराज, और विश्वभानु महाराज के जो पकड़ लिया उसके हृदय में वो भी आ जाएगी। अर्थात प्रेममयी श्रीमती राधिका विश्वभानु महाराज के अंतर हृदय में प्रेम के संचार कर दी, और विश्वभानु महाराज के जो स्पर्श कर लिया कृतिका सुंदरी, कृतिका सुंदरी के हृदय में भी प्रेम। आइए इस कथा में श्री कृतिका सुंदरी देवी बहुत आनंद है। संधि साथ ही साथ कृतिका सुंदरी ऐसे सुंदर बालिका को तप्त कांचन गौरांगी बालिका को किया कि कपड़ा देकर ढक लो, किसी के नजर ना पड़ जाए। जीवन भर में जन्म तब ऐसी कहीं लड़कियों को भी नहीं देखा, आज ऐसे सुंदर दिव्य आनंद जैसे अत्यंत सुंदर वस्तु के क्या करना चाहिए, छुपा करके रखना चाहिए। जैसे हीरे जवाहरात मणि मुक्ता को कहां रखना चाहिए, संदूक में रखना चाहिए, तिजोरी में रखना चाहिए। उसी प्रकार कृतिका सुंदरी ऐसे दिव्य मणिमाणिक स्वरूप जो है राधा जी को प्राप्त करके अपने अंचल के द्वारा किसी को नाम नजर ना लग जाए, किसी का पता ना लग जाए। जे नाम से राम रखो हमारे अमोरा राखी नाम राधा राधा है। पर इतने अनुराग के साथ सबके हृदय के आकर्षित करते धावित होते सब, इसे कहते दोनों के जे नाम से नाम रखो अमोरा राखी नाम राधा। किंतु नामकरण संस्कार होता है ना, नामकरण संस्कार के समय वो जो क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर जो होता है ज्योतिष, ज्योतिष क्या करते हैं कितने समय किस समय जन्म लिया, उसके किस समय नक्षत्र जन्म नक्षत्र आदि करके और नामकरण संस्कार करते हैं। इसे किस नाम किस अक्षर में होगा, र अक्षर में होगा, भ अक्षर में होगा, क अक्षर में होगा, उसमें रखते हैं। तो किंतु ब्रज के सारे महिलाएं क्या बोली, गणक के जे नाम से नाम, गणक माने एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष, गणक के जे नाम से नाम राखू अमर अमोरा राखी लम राधा। बस ब्रज के सारे कहते हो इसके नाम क्या राधा, बोले इनके इतने अनुराग, बोले सभी लोग उनके प्रति धावित, सबकी आंख वहीं पर धावित हो जाता है, इसलिए कहते हैं राधा है। बोले गणों के जे नाम से नाम राखू अमोरा राखी लम राधा। आज से हे विश्वभानु महाराज और कृतिका सुंदरी, आज से हम तुम्हारे बालिका के नाम क्या लोग करके हम पुकारेंगे, बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महा बोलो राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। आगे चले, यहाँ पर 2 घंटा से ऊपर हो गया है, 8 बजे तक पूरा 10 बज गया, थोड़ा जलपान करके फिर हम लोग लोभवन की तरफ चलते हैं। लोभवन से फिर गौर प्रेमानंद।